हेलो एवरीवन, फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग आईसीएसई क्लास टेंथ, इसमें आईसीएसई ही नहीं सीबीएसई भी हम ऐड कर सकते हैं, सब जगह पर है ये। आज से जो स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर 4 है, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, जिसमें हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो पार्ट ए है, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पार्ट ए में हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम करेंगे इसके बारे में, क्या है इंट्रोडक्शन वो मैं बताने की कोशिश करूँगा कि रिफ्रैक्शन क्या है। लेकिन रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप 9th क्लास में क्या पढ़ कर आए हैं। 9th क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा था रिफ्लेक्शन, क्या पढ़ा था एक टॉपिक, रिफ्लेक्शन। एक टॉपिक पढ़ा था रिफ्लेक्शन, क्या होता है रिफ्लेक्शन वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा। रिफ्लेक्शन बेसिकली आपने दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से पढ़ा था, टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से पढ़ा था आपने, टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से पढ़ा था। एक का नाम है प्लेन मिरर और दूसरे का नाम है स्फेरिकल मिरर। इन्हीं की हेल्प से आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, और अगेन रिफ्लेक्शन जब पढ़ा था आपने तो स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया था। एक आपने डिवाइड कर लिया था कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर और दूसरे को आपने कहा था कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। और मैं बता दूं आपको, बहुत से ऐसे जगह पर या बहुत कन्वीनियंट कहने के लिए इसे केवल कॉनकेव मिरर ही कहते हैं, इसे केवल कॉन्वेक्स मिरर ही कहते हैं। तो इस डिवाइस के हेल्प से आपने क्या पढ़ा था, इन डिवाइसेस की हेल्प से आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था। तो और रिफ्लेक्शन में आपने क्या देखा था कि जब कोई लाइट आती है, मान लो ये प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर का ये वाला सरफेस क्या है, ये वाला सरफेस हमारा पेंटेड है, पेंटेड सरफेस है, और ये वाला जो सरफेस है ये सिल्वर्ड सरफेस है, सिल्वर्ड सरफेस है, RED सिल्वर्ड सरफेस है। तो जब कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है इस सरफेस पर और ये इसका नॉर्मल है, तो ये लाइट क्या होती है, अपनी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इस फिनोमिना को बोला गया था कि रिफ्लेक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन है। जब कोई लाइट किसी ऐसे ओपैक सरफेस पर पड़े और उसी सेम मीडियम में पार्शियली वो रिफ्लेक्ट हो जाए, समझ पा रहे हो आप बात ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्लेन मिरर ही हो, आप इसी तरीके से रिफ्लेक्शन कॉनकेव स्फेरिकल मिरर और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर से भी आपने देखा होगा। इस तरीके से ये आपका कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर है। मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ वैसे आपको, कॉनकेव मिरर है ये। तो इस तरीके से आपने देखा होगा, इसमें क्या देखा होगा, इस तरीके से कि लाइट ऐसे आ रही है, लाइट चलो ऐसे आ रही है, ऐसे और ऐसे चली जा रही है, इस तरीके से आपने देखा होगा रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ भी पढ़े होंगे जिसको रिफ्लेक्शन ओबे करता है, और वो टू लॉ आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या पढ़ा था आपने, रिफ्लेक्शन
ऑफ लाइट रे ओबी टू ला, दो ला आपने पढ़ा होगा, दो ला पढ़ा होगा। एक तो आपने ये पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल किसे बोलते हैं और रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं, ये जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। और इसे बोलते हैं आर, जो क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। यही आपने पढ़ा कि एंगल आई और एंगल आर क्या होता है, इक्वल होता है। और सेकंड लॉ में आपने क्या पढ़ा, सेकंड लॉ में आपने पढ़ा कि जो इंसिडेंट रे है ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्शन है नॉर्मल है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है आर लाइंग इन द सेम प्लेन। ये आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इंसिडेंट रे नॉर्मल, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज रेज रे आर लाई लाई इन द सेम प्लेन। ये आपने पढ़ा था, सेम प्लेन यही आपने पढ़ा था। रिफ्लेक्शन से ये आपको मैंने मोटा मोटा एक ओवरव्यू दिया कि आप रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपको यकीन बता दूं, जी जो चैप्टर हम पढ़ने चल रहे हैं आज, वो उस चैप्टर का नाम क्या है, उस चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस। और पार्ट जो करने वाले हैं, जिस मतलब जो टॉपिक इस पार्ट में हम कवर करेंगे पार्ट ए में, वो रिफ्रैक्शन है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें क्या पढ़ेंगे, हेयर वी शैल स्टडी रिफ्रैक्शन। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, मैं ये कह दूँ कि हेयर वी शैल स्टडी रिफ्रैक्शन। यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। क्लास टेंथ के स्टैंडर्ड पर हम ये पढ़ने वाले हैं, किसके थ्रू पढ़ने वाले हैं ये भी हमें जानना जरूरी होगा। थ्रू प्लेन एंड स्फेरिकल सरफेस पढ़ने वाले हैं, इसी के हेल्प से पढ़ने वाले हैं। लेकिन याद रहे, वहाँ पर हमने कैसा मीडियम ले रखा था, ओपैक ले रखा था, जब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। यहाँ पर हम लोग कैसा मीडियम लेंगे, सरफेसेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम लेंगे। क्या लेंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम लेंगे, याद रखना ये चीज़। यही मीडियम, यही याद डिफरेंस है कि रिफ्लेक्शन में हमने कैसा मीडियम चुना था, ओपैक, और रिफ्रैक्शन में कैसा मीडियम चुन रहे हैं हम लोग, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, इस तरीके का। लेकिन रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम जान लें थोड़ा सा कि लाइट क्या होती है, थोड़ा लाइट के बारे में भी जान लें। तो लाइट जो हमें सन से मिलती है, थोड़ा सा देखो, जो लाइट सन से मिलती है वो लाइट में 7 कलर का मिक्सचर होता है, 7 कलर का मिक्सचर होता है, ठीक है। उस लाइट को मैंने हिम्मत याद करने का एक आइडिया बता दूं आपको, उस आइडिया से आपको मतलब बहुत आसान मिलेगा कि लाइट का से कौन से 7 कलर निकलते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक आइडिया ये है, ये गाय यू बी इन माई रेडियो। ये इस ट्रिक से आपको याद रहेगा कि हम लाइट को, सन से जो निकलने वाली लाइट है उसको याद कर सकते हैं। गाय का मेरा मीनिंग ये होगा कि गामा रे, ए का मेरा मीनिंग ये होगा एक्स रे, यू का मेरा मीनिंग ये होगा अल्ट्रा वायलेट रे, और इस वी का मतलब होगा विजिबल लाइट या रे आप लिख लेना, इनका मतलब होगा इंफ्रा रेड,
और माई का मतलब होगा माइक्रो वेव, और रेडियो का मतलब हो गया रेडियो वेव। ये 7 लाइट निकलती हैं। इन 7 लाइट, ये जो सन से निकलने वाली लाइट हैं, यही निकलती हैं ऐसे 7। लेकिन हमारा, हम जहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं, जो हमारा अर्थ है, वो अर्थ ऐसे बहुत सारे लेयर से मिलकर बने हुए हैं, वो उन लेयर्स में, हम आपको लेयर्स का नाम भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ एटमॉस्फेयर आपको दिखाया कि अर्थ के चारों ओर, और इस एटमॉस्फेयर को, ये जो अपने अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ से बिल्कुल सटा हुआ एटमॉस्फेयर है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, और उसके बाद जो लेयर है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद के लेयर को बोलते हैं मेजोस्फेयर, उसके बाद के लेयर को बोलते हैं थर्मोस्फेयर, उसके बाद के लेयर को बोलते हैं एक्सोस्फेयर। और जो स्ट्रेटोस्फेयर है, इसका लगभग जो कह सकते हैं कि विड्थ है, ये लगभग 0 से 12 किलोमीटर माना गया है। स्ट्रेटोस्फेयर का लगभग 12 से 30 माना गया है, और मेजोस्फेयर का लगभग 30 से 80 किलोमीटर, और थर्मोस्फेयर को लगभग 80 से 30 किलोमीटर, और एक्जोस्फेयर का लगभग 300 से 800 किलोमीटर, और इसके ऊपर 800 किलोमीटर के ऊपर लगभग अबव क्लोज टू द एब्सोल्यूट जीरो माना गया है, मतलब कि वहाँ एयर है ही नहीं। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ इस चीज़ को क्योंकि यहाँ पर एयर पार्टिकल हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एयर पार्टिकल कम है, यहाँ पर और कम है, यहाँ पर हैं थोड़ा और कम है, यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर एयर पार्टिकल बताने का मतलब ये था कि आप मीडियम समझ लें, मेरे कहने का मतलब मीडियम समझ लें, बस आप समझ पा रहे हो। तो जो ये लाइट आ रही है 7 कलर की, ये जो लाइट आ रही है, ये लाइट जब सन से निकलती है, तो जब ये एंट्री करती है, ऐसे ऐसे, और जैसे ही हमारे ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जो एक लेयर है जिसको ओजोन लेयर बोलते हैं, यहाँ पहुँचती है, तो ये ओजोन लेयर इन सारी लाइटों को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, सिवाय एक लाइट के जिसका नाम है विजिबल लाइट। जिसका क्या नाम है? विजिबल लाइट। सबको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, सबको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। केवल परमिशन देता है कि आप ट्रोपोस्फेयर में वही लाइट जा सकता है जो ओजोन लेयर को क्रॉस वही कर पाएगा, ट्रोपोस्फेयर में वही लाइट जा पाएगा जो विजिबल होगा, जो केवल क्या होगा, विजिबल होगा। अब ये विजिबल लाइट जब आती है ना, ये विजिबल लाइट जब ऐसे आती है, समझ पा रहे हो आप बात ना, तो ये भी मिक्सचर ऑफ 7 कलर है, जो विजिबल लाइट है ये भी मिक्सचर ऑफ 7 कलर है। अब ये मिक्सचर ऑफ 7 कलर है, समझ पा रहे हो ना, मिक्सचर ऑफ 7 कलर है, तो ये कौन कितने कलर में डिवाइड होगा, ये कितने कलर में डिवाइड होगा, तो ये भी 7 कलर में डिवाइड होगा, ये भी कितने में डिवाइड होगा, 7 कलर में डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये कौन कौन से कलर में डिवाइड होगा, तो एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, बिब ग्योर, ये आप इस कलर को जानते होंगे बहुत अच्छे से, इसको बोलते हैं वायलेट कलर, इसको क्या बोलते हैं, वायलेट कलर, इसको बोलेंगे इंडिगो कलर, इसको क्या बोलेंगे, इंडिगो कलर, ये है ब्लू, ये है ग्रीन, ये है येलो, ये है ऑरेंज, और ये है रेड। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये लगता है ना कि सन से यही लाइट निकलती है, मतलब यही, ये वाली लाइट निकलती, यही सातों निकलते हैं। नहीं नहीं भाई, सन से तो ये निकलते हैं सन से, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में जिनको एंट्री मिलती है वो विजिबल लाइट को ही एंट्री मिलती है, ठीक है। ये 1676 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर आइजक न्यूटन, उन्होंने बताया था, और उन्होंने कहा था कि इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वाइट लाइट बोलेंगे। वाइट लाइट क्यों बोलेंगे, इन्होंने बताया कि ये वैक्यूम के अंदर इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो बहुत हाई है, और वो मैक्सिमम स्पीड 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो जब वाइट लाइट वैक्यूम के अंदर चलेगा तो इसी मैक्सिमम स्पीड से चलेगा,
लेकिन जब किसी मीडियम के अंदर चलेगा, जब किसी मीडियम के अंदर चलेगा, तो कह रहे हैं कि मीडियम के अंदर ये सारी लाइट, ये जो सारी लाइट हैं, ये सारी लाइट अपने अलग अलग स्पीड से चलेंगे। ये डिपेंड करता है कि उस मीडियम में, उस मीडियम के लिए इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे के लेक्चर में हम ये भी बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। अलग अलग मीडियम में इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होते हैं, और इसी वजह से इनकी जो स्पीड होती है अलग अलग मीडियम में अलग हो जाती है। समझ पा रहे हो बात ना? तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अलग होने की वजह से इनकी स्पीड अलग हो जाती है। तो मान लो कि एक कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम एक है और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम टू है। अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट आई है, इस मीडियम में लाइट आई है और उसकी स्पीड V1 है, और यहाँ पर अगर लाइट आई है दूसरे मीडियम में और यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी हो गई है, V2 हो गई है। इसका यह मतलब हुआ कि यहाँ पर थोड़ा सा हम लाइट को देख रहे हैं कि स्लो हुई है, लाइट को क्या हुई है, स्लो हुई है। तो ये वाला जो मीडियम होगा, ये मीडियम थोड़ा सा ऑप्टिकल डेंसर होगा। ऑप्टिकल क्या होगा? डेंसर होगा। ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होगा। अब ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम अगर है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला मीडियम जो होगा वो थोड़ा सा ऑप्टिकल रेयरर होगा। ऑप्टिकल क्या होगा? रेयरर होगा। अब ये ऑप्टिकल डेंसर क्या होता है और ऑप्टिकल रेयरर क्या होता है, हम इसी लेक्चर में बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ऑप्टिकल डेंसर क्या है और ऑप्टिकल रेयरर क्या है, थोड़ा सा और भी बता दूँ ऑप्टिकल डेंसर रेयरर क्या है। मान लो एक मीडियम है और ये मीडियम एयर है, और ये मीडियम हमारा वाटर है, और ये मीडियम हमारा ग्लास है, ये मीडियम हमारा ग्लास है। तो यहाँ पर बता दूँ कि ये वाला एयर और वाटर के पेयर के लिए, एयर वाटर पेयर के लिए, वाटर पेयर के लिए, इस पेयर के लिए हमारा जो एयर है वो डेंसर, डेंसर मीडियम है, यानी कि ये ऑप्टिकल डेंसर है, ये ऑप्टिकल डेंसर है, ये ठीक है। और यहाँ पर जो वाटर है वो वाटर कैसा मीडियम है, एयर डेंसर मीडियम नहीं है बेटे, रेयरर मीडियम है, गड़बड़ी हो रही थी, ऑप्टिकल रेयरर है, ये ऑप्टिकल रेयरर है, और वाटर जो है वो डेंसर है, ये डेंसर मीडियम है, यानी कि ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है। और इस पेयर के लिए, इस पेयर के लिए, पेयर ऑफ वाटर एंड ग्लास, इसके लिए अगर हम देखें तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा वाटर है ये ऑप्टिकल रेयरर मीडियम हो गया, यानी कि ये ऑप्टिकल रेयरर है, ये क्या है, ये ऑप्टिकल रेयरर है ये। और जो हमारा ग्लास है ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया। किसके लिए हो गया? इस पेयर के लिए, ठीक है, यानी कि ये ऑप्टिकली डेंस है देन वाटर, ये हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। मान लो अब फिर एयर आ गया। अब इस मीडियम के लिए आप क्या बोलोगे? फिर से आपको अब समझ में आ गया होगा आई थिंक कि क्या है, ग्लास जो है वो डेंस है और वो एयर है वो क्या है, एयर जो है वो रेयरर है, ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है, कि इस तरीके से हम अपना अप्रोच सेट कर ले जाएंगे। आपको बता दें कि डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, बट स्पीड ऑफ लाइट सेम
इन वैक्यूम ऑफ ऑल कलर, हर एक कलर का, ऑफ ऑल कलर, ऑल कलर, हर एक कलर का, ठीक है, हर एक कलर का कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, इतना होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑप्टिकल रेयरर क्या होता है और ऑप्टिकल डेंसर क्या होता है, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी, ये हमारी हेडिंग है, ऑप्टिकल डेंसिटी, याद रखना बेटे, ऑप्टिकल डेंसिटी एक अलग चीज़ है और ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज़ है और ऑप्टिकल डेंसिटी एक अलग चीज़ है, ठीक है, ये याद रखना। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? सबसे पहले ऑप्टिकल डेंसिटी पढ़ने से पहले कुछ एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे कर लें, और वो हम ये कहेंगे कि वो नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट है, पहले उस चीज़ को तो आप ध्यान में रखो ही अपने। क्या नोट पॉइंट है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है, कि एवरी ट्रांसपेरेंट मीडियम हैज अ प्रॉपर्टी नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। यहीं से ये बात उठी है, ऑप्टिकल डेंसिटी। जितने भी हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना है, और रिफ्रैक्शन हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए देखते हैं, और ट्रांसपेरेंट मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, इसीलिए हम ऑप्टिकल डेंसिटी पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है कि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज, क्या होता है इस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी, इज द क्वांटिटी व्हिच टेल्स अस वेदर अ लाइट वेव विल ट्रैवल स्लोवर और फास्टर इन द मीडियम। यही है ऑप्टिकल डेंसिटी, मीडियम, यही है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या बताता है, क्या बताता है ऑप्टिकल डेंसिटी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी टेल्स अबाउट टू अस, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज द क्वांटिटी व्हिच टेल्स द वेदर अ लाइट वेव विल ट्रैवल स्लोवर और फास्टर इन द मीडियम। मतलब ये मान लो एक मीडियम है और ये हमारा एयर है, इस एयर से एक लाइट इस मीडियम में एंट्री कर गई है, इस मीडियम में एंट्री कर गई है, तो इस मीडियम के अंदर लाइट हमारी स्लो हुई है या फास्ट हुई है, या क्या हुई है, फास्ट हुई है, ये बताता है। अगर स्लो हुई है तो ये बोलेगा कि ऑप्टिकल डेंस है, ये क्या हुई है, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है देन किस मीडियम से आई है, एयर, ये समझ पा रहे हो आप। और अगर मेरा फास्ट हुआ है, ये इस मीडियम में लाइट की स्पीड फास्ट हुई है इस मीडियम के अंदर, तो हम बोलेंगे कि ये ऑप्टिकल क्या हुआ है, ऑप्टिकल रेयरर है देन एयर। समझ पा रहे हो आप बात, याद रखना डेंसिटी एक अलग कहानी है, डेंसिटी भी मैं बता ही देता हूँ, डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी ये दोनों चीज़ें मैं बता देता हूँ। डेंसिटी बेसिकली है क्या चीज़, ये बताओ आप, डेंसिटी क्या है, बेसिकली डेंसिटी क्या है? तो डेंसिटी जो होता है ना, वो एक तरीके का क्या है कि मॉलिक्यूलर सेपरेशन बिटवीन द, मैं लिखे देता हूँ, मॉलिक्यूलर सेपरेशन बिटवीन द
या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर सेपरेशन बिटवीन द एटम और मॉलिक्यूल, इनके मेजरमेंट को हम डेंसिटी बोलते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम या जो कुछ भी आप इसको इसमें लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है कि इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। ये है, एग्जाम्पल दे दूँ आपको थोड़ा सा, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं लेता हूँ वाटर एंड एक और ले लेता हूँ केरोसिन का एग्जाम्पल। वाटर क्या है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है, डेंसिटी लेस देन वाटर। लेकिन अब आपको बता दें कि वाटर है ये एंड केरोसिन है ये। अब ये अगर आप देखो, वाटर के ऊपर केरोसिन डाल दें, वाटर के ऊपर केरोसिन आप डाल दें, तो आप देखेंगे कि केरोसिन ऊपर तैरता रहता है। ऊपर क्या होता रहता है, तैरता रहता है। इसका मतलब कि केरोसिन की डेंसिटी कम है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, ये तैर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि एक लेयर आप वाटर का ले लो और एक लेयर आप किसका ले लो, केरोसिन का ले लो। किसका ले लो, केरोसिन का ले लो, केरोसिन का ले लो। और एक लेयर आपने किसका लिया, वाटर का लिया। तो आप देखेंगे कि वाटर में जो हमारी लाइट है वो लाइट की स्पीड मान लो कितना है, V1 है। और ये जो लाइट है, ये लाइट मान लो जो केरोसिन में है, वो लाइट मान लो V2 है। कितना है, V2 है। तो आप क्या पाएंगे कि V1 हमारा जो है ना वो थोड़ा सा कम है V2 से। अब आप देख रहे होगे कि वाटर की डेंसिटी तो ज़्यादा है, अब केरोसिन की डेंसिटी तो कम है, लेस देन वाटर है। फिर भी आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि वाटर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो है ना V1, और ये हमारा कम हो रहा है, किससे कम हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन से कम हो रहा है। समझ पा रहे हो आप बात ना, ये स्पीड ऑफ वाटर स्पीड ऑफ केरोसिन से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हमारा जो केरोसिन है ये कैसा मीडियम हो गया, ये मीडियम हो गया ऑप्टिकल डेंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्टिकल डेंसर हो गया। ये क्या हो गया, ये ऑप्टिकल रेयरर हो गया। क्या हो गया, रेयरर हो गया। ये दैन केरोसिन है, याद रखा, केरोसिन है और ऑप्टिकल रेयरर दैन वाटर है। ये क्या है, दैन वाटर है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी आई थिंक समझ गए होंगे कि क्या है। मैंने आपको ऑप्टिकल डेंसिटी अच्छे से समझा भी दिया, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। थोड़ी सी और बातों को आप चाहो तो यहाँ नोट कर सकते हो। क्या है वो, अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट is known as ऑप्टिकल रेयरर। उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ये हमने जो आपको समझाया वही लिखवा दिया। और भी दूसरी चीज भी आप लिख लीजिए कि अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज नोन एज
इज नोन एज ऑप्टिकल या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली क्या बोलेंगे, मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज, लाइट की स्पीड अगर ज़्यादा हुई तो रेयरर है और लाइट की स्पीड अगर लेस हुई तो वो क्या हो, ऑप्टिकली हमारा डेंसर मीडियम हो, डेंसर मीडियम हो, याद रखना ये चीज़, ठीक है, यहाँ पर याद रखना। आपको एक डायग्राम बनाकर बता भी दें, आप लोग सोच रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन का लेक्चर इतना लेंदी क्यों कर दिया सर ने, तो इसी लेक्चर से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आगे आपको कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बचेगा जो पूछना पड़े आपको। मान लो ये इंसिडेंट लाइट है, ये कौन सी लाइट है, इंसिडेंट लाइट है ये, और ये अगर लाइट नॉर्मल की ओर बेंड हुई तो हम ये बोलेंगे कि ये वाली स्पीड इस वाली मीडियम में, जो ये मीडियम है ये मीडियम टू, और ये जो मीडियम है इसका नाम है मीडियम वन, तो मीडियम टू में स्पीड जब स्लो होगी, स्पीड क्या होगी, मान लो ये स्पीड वी वन है ये स्पीड वी टू है, तो वी वन अगर ग्रेटर है वी टू से तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्लो हुई है, क्या हुई है, स्लो हुई है। और जब कभी भी रिफ्रैक्शन के बाद लाइट नॉर्मल की ओर बेंड हो जाए, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाए, क्या हो जाए, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल आफ्टर द रिफ्रैक्शन, आफ्टर द रिफ्रैक्शन, तो समझ लो कि स्लो हुई है स्पीड, स्पीड क्या हुई है, स्लो हुई है, और स्पीड स्लो हुई है तो समझ लेना कि मीडियम टू कैसा मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है, ठीक है। और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इससे स्लो हुई है, इस वाले से स्लो हुई है, तो आप समझ लेना कि मीडियम वन क्या है, एक रेयरर मीडियम है, क्या हुई है, रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम, कैसे, देन सेकेंड, देन सेकेंड, ये रेयरर मीडियम हुआ। जब कभी भी लाइट ऐसे आ रही है और ये ऐसे हो गई है, यानी कि लाइट यहाँ पर वी वन है और यहाँ पर वी टू है, मीडियम वन है, मीडियम टू है, और यहाँ पर अवे फ्रॉम द लाइट, अवे फ्रॉम नॉर्मल हुआ है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ है, लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ है, तो वी टू हमारा इंक्रीज हुआ है, वी वन हमारा स्लो हुआ है, इसका मतलब यहाँ स्पीड इंक्रीज हुई है, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हुई है, स्पीड ऑफ लाइट क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। अब अगर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हुई है तो हम कह सकते हैं कि ये रेयरर मीडियम है, क्या है, ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम का मतलब क्या हुआ कि ऑप्टिकल रेयरर है ये, क्या है, ये ऑप्टिकल रेयरर है, देन फर्स्ट मीडियम, ठीक है। और यहाँ पर स्पीड, इसका मतलब यहाँ पर स्लो है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट स्लो है, स्पीड ऑफ लाइट स्लो है। अगर ये स्पीड ऑफ लाइट स्लो है तो ये कैसा मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, ये क्या है, यहाँ पर ये स्लो हुई है ना तो डेंसर होगा, ये स्लो हुआ है तो डेंसर होगा, क्या होगा, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, कैसे, देन सेकेंड मीडियम, देन सेकेंड मीडियम, ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्टिकली क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है, ये ऑप्टिकली डेंसर है ये। तो आई थिंक आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रहा होगा कि ऑप्टिकली डेंसर क्या है, ऑप्टिकली रेयरर क्या है, ये सब कुछ आपको पता चल पा रहा होगा, ठीक है। ऑप्टिकली डेंसर क्या है, ऑप्टिकली रेयरर क्या है, और कहाँ स्पीड स्लो होती है और कहाँ स्पीड फास्ट होती है। तो इस लेक्चर में हमने जो इंट्रोडक्शन किया लाइट से रिगार्डिंग, वो आई होप कि आपको बहुत यूजफुल लगेगा और बहुत, मतलब कह सकते हैं कि जानकारी के लायक है, और ये पसंद भी आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करने वाले हैं वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम लोग बहुत जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।